हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रेनबो कैसे बनता है, वो कौन से सात रंग होते हैं जिससे रेनबो बनता है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करते हैं डबल रेनबो की, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपने कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को तस्वीरों की बजाय अपनी असल ज़िंदगी में देखा है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। तो चलिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम बात करते हैं डबल रेनबो की, डबल रेनबो कैसे बनता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ ऊपर नीचे दो रेनबोस हैं। नीचे वाला रेनबो जो कि ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं, और ऊपर वाले रेनबो को सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। इन दोनों रेनबोज़ को देख कर आप कुछ तो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बताया, नीचे वाला दिखने में ज़्यादा ब्राइट है ऊपर वाले से, ये तो इनका डिफरेंस ही हो गया एक तरह से। सेकेंडली, हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट कलर नीचे की ओर देखने को मिलता है और रेड कलर ऊपर की ओर, जबकि सेकेंडरी रेनबो में उससे उल्टा होता है। यानी कि सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर नीचे की ओर देखने को मिल रहा है और वॉयलेट कलर ऊपर की ओर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम रेनबो देखना चाहते हैं तो ज़मीन पर खड़े होकर अगर हम 40 डिग्री के एंगल पर देखें हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हमें रेनबो दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रात में छत पर चढ़ जाएं रेनबो देखने। नहीं, रेनबो तभी दिखेगा जब एनवायरनमेंट में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और सनलाइट होगी, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा रेनबो का। इसलिए रेनबो ज़्यादातर बारिश के बाद ही देखने को मिलते हैं। वॉयलेट कलर, प्राइमरी रेनबो की बात कर रही हूँ मैं। प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट कलर हमें 40 डिग्री के एंगल पर देखने को मिलता है और रेड कलर हमें 42 डिग्री के एंगल पर। तो ये तो हो गया प्राइमरी रेनबो का एंगल, कौन कौन से एंगल पर कौन से कलर्स दिख रहे हैं। जब हम सेकेंडरी रेनबो देख रहे हैं तो रेड कलर हमें 51 डिग्री के एंगल पर देखने को मिलता है और वॉयलेट कलर 53 डिग्री के एंगल पर देखने को मिलता है। अब इनका डिफरेंस तो हो गया, अब बात करते हैं डबल रेनबो बनता कैसे है। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने कि रेनबो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है, और ये कैसे फॉर्म होता है इसे डिटेल में आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वो सब फॉर्मेशन प्राइमरी रेनबो की है। वाइट लाइट, ये भी हम प्राइमरी रेनबो के बारे में ही कर रहे हैं इस वक्त। वाइट लाइट जब वाटर मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट क्या है, रिफ्रैक्ट होता है। जब वो रिफ्रैक्ट होता है वो डिस्पर्स भी होता है, वाइट लाइट का कुछ पार्ट। फिर वो डिस्पर्स लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है, और वो रिफ्रैक्ट होकर मॉलिक्यूल से बाहर आ जाती है। तो जब लाइट बाहर निकलती है वो विबग्योर कलर्स में बन चुकी होती है। इसमें विबग्योर क्या है, विबग्योर है VIBGYOR, ये जो सात रंग हैं उसे हम शॉर्ट में विबग्योर कहते हैं। वाइट लाइट हमेशा इन सात रंगों में क्या है, बन जाती है। प्राइमरी रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होती है, ठीक है, और उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, सॉरी, उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें जो कलर्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी रेनबो में क्या है, सॉरी, प्राइमरी रेनबो में हमें वॉयलेट कलर नीचे की ओर देखने को मिलता है, ठीक है, और रेड कलर ऊपर की ओर। और सेकेंडरी रेनबो जब बनता है, सेकेंडरी रेनबो भी ऐसे ही बनता है, इसमें भी उसी प्रोसेस से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, सेकेंडरी रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप सोच रहे होंगे क्या होता है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होता है उसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो जब हम सेकेंडरी रेनबो देख रहे होते हैं तो वॉयलेट कलर हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया, 53 डिग्री के एंगल पर दिखाई देगा और रेड कलर 51 डिग्री के एंगल पर। तो ये थी प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो की बेसिक इंट्रोडक्शन।
उनका डिफरेंस और ये कैसे बनते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ और नया पढ़ेंगे, कुछ और नया सीखेंगे और अपने आसपास को, अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को और जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।